Hi students, I am Deepak Kumar Sahu. Welcome to MKD Education Classes. Today I will discuss about application of derivative. Application of derivative में first हम जानेंगे कि successive, what is successive derivative, successive differentiation and partial differentiation. And इसके सम example हम इसका solve करेंगे. ठीक है? So let's start. So application of derivative में पहले हम जानेंगे कि what is successive differentiation. ठीक है? Successive differentiation क्या है? हम इसके पहले जानेंगे. तो सक्सेसिव डिफरेंस क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑफ ए गिवन फंक्शंस सक्सेसिवली एन टाइम्स एंड रिजल्ट ऑफ सच डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड सक्सेसिव डेरिवेटिव. सक्सेसिव डेरिवेटिव का मतलब ये है कि हम एक फंक्शन दिया गया है इसका हम एन टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, ऐसे हम एन टाइम्स हम डेरिवेटिव निकालेंगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि सक्सेसिव डेरिवेटिव. ठीक है, और भी हम अच्छी तरह से हम जानते हैं. सो स्टार्ट. तो सक्सेसिव डेरिवेटिव सक्सेसिव डेरिवेटिव में क्या होता है? पहले सपोज y इक्वल f ऑफ x आपको दिया गया है. सपोज y इक्वल टू f ऑफ x आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है. ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे. यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा? अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा? dy / dx. ठीक है, तो dy / dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? f - x आ जाएगा. ठीक है, इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? f - x, और डायरेक्टली हम लिख देते हैं कि f - x. ठीक है, और इसको हम f - x और dy / dx और f - x लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? और इसको y 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसका डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन है. इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको हम dy / dx निकाल देते, आप जानते हो, और इसको हम f'x भी निकाल सकते हैं. f'x भी हम और एक नोटेशन है लिख सकते हैं. ठीक है, और इसको y1 भी लिख सकते हैं, और इसको d1 भी लिख सकते हैं, dy भी लिख सकते हैं. ठीक है, और इसको dy भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नोटेशन है, बोथ ऑल आर सेम. ठीक है, सो dy / dx बोलो जो भी है, f'x वही और y1 = dy. ठीक है, सो ये सब एक ही है. There are different different notations of first derivative. अगर इसका second derivative निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे? अगर इसका second derivative निकालेंगे तो second derivative. ठीक है, तो second dy / dx आपको आपने पहले find कर दिया है, तो इसका अगर और एक derivative निकालेंगे तो ये क्या जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं d square y by d x square. यानी कि ये second derivative है. ठीक है, और इसको किस तरह लिख सकते हैं? f double dash x. ठीक है, और इसको किस तरह लिख सकते हैं? और y2, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव. और इसको किस तरह लिख सकते हैं? और इसको d d1 ये d2y. ठीक है, और इसको d2y भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें d1y है, ये क्या है? d2y, ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन. ठीक है, सो ऐसे अगर हम nth टर्म nth टाइम्स डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, अगर इसका nth टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो nth डेरिवेटिव इसका क्या होगा, इसका नोटेशन कैसे आएगा? तो इसको किस तरह हम लिख सकते हैं? सो इसको हम लिख सकते हैं dn y / dxn. ठीक है, ये nth डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे थर्ड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, फोर्थ डेरिवेटिव निकाल सकते हो, इस तरह हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. सो इसका नोटेशन क्या आएगा? dn y / dxn. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? और f n x. ठीक है, और f n x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? और वही है, सेकंड डेरिवेटिव y2, फर्स्ट डेरिवेटिव y1, और nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? yn आ जाएगा. ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हैं? और dny, ये nth डेरिवेटिव है. ठीक है, अगर थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तो dqy / dx³ आ जाएगा, और f 3x आ जाएगा, और y 3 लिख सकते हो, और d 3y लिख सकते हो. ठीक है, इस तरह हम सक्सेसिव डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. ये जो प्रोसेस है इसको ही बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव. सक्सेसिवली हम n टाइम्स डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा और आपको पूछा होगा कि y3 निकालो, तो क्या करोगे? पहले y1 निकालोगे, देन फिर y2 निकालोगे, फिर
थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे, इस तरह हम डेरिवेटिव सक्सेसिव डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट। एक फंक्शन, एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, सो फाइंड y2, फाइंड y2 इफ, क्वेश्चन एक दिया गया है, फाइंड y2 इफ x, इफ y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है फाइंड y2 इफ y इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो y हमको y इक्वल f(x) हमको दिया गया है और क्या पूछा है कि y2 निकाल ले। ठीक है, हम y2 निकालेंगे यानी कि सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम y1 निकालेंगे, उसके बाद y1 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हम पाएंगे। ठीक है, सो पहले y1 निकालो, सो गिवन दैट, सो पहले y क्या दिया गया है, y इक्वल टू x टू दी पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा y है। ठीक है, अब क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, देन फाइंड y1, y1 का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में निकालेंगे, यानी dy / dx। तो y1 क्या है, dy / dx, dy/dx क्या जाएगा, x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव क्या है, 5 इनटू x टू दी पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, सो d/dx ऑफ x टू दी पावर n, हम जानते हैं क्या, n इनटू x टू दी पावर n माइनस 1, यहां पे n क्या है, 5 है, समझ में आ गया। सो 5 इनटू x टू दी पावर 4 प्लस 4 इनटू 4 कांस्टेंट है, 4 ऐसे रहेगा, 4 इनटू x क्यूब है, तो x क्यूब डेरिवेटिव क्या है, x क्यूब डेरिवेटिव क्या जाएगा, 3 इनटू x टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3 into x to the power 3 minus 1 क्या है, 2 है, यानी कि 3x square हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, minus 2 into x square का डेरिवेटिव, x square का डेरिवेटिव क्या जाएगा, x square का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2 into x to the power 1। ठीक है, 2 into, अब x square का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2 into x to the power 1 यानी कि 2x। ठीक है, so plus 1 क्या है, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 0, 0 हो गया। so y1 क्या निकला, 5 x to the power 4 plus 4 3 जा 12 x square minus 2 2 जा 4x। ठीक है, समझ में आ गया। so y1 हमने निकाला कि 5 x to the power 4 plus 12 x square minus 4x cube। अब क्या करेंगे, हम y2 निकालेंगे, ये हमको ये क्वेश्चन दिया गया है कि find y2, so y2 हम अब निकालेंगे। तो y2 क्या जाएगा, जो y1 है इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो y2 आ जाएगा, so y1 को derivative करेंगे, यानी कि we want to find the derivative of y2, so y2 क्या जाएगा, derivative of this with respect to x, so इसका derivative निकालेंगे, so derivative क्या जाएगा, 5 into x to the power 4 का derivative क्या जाएगा, 4 into 4 x क्यों जाएगा, ठीक है, x to the power n का derivative क्या है, n into x to the power n minus 1, so x to the power 4 का derivative जाएगा 4 x क्यों, plus 12 into x square derivative क्या जाएगा, x square derivative क्या है, 2 x। ठीक है, माइनस 4 इनटू x का डेरिवेटिव तो 1 है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 है, सो माइनस 4 हो गया, सो व्हिच कैन राइट 5 4 जा 20 x क्यूब प्लस 12 2 जा कितना 24 x माइनस 4, सो दिस इज y2, सो वी गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही कोई आपको y इक्वल टू फंक्शन f(x) कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा और पूछा होगा कि y3 निकालो और y4 निकालो, सो इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है, बहुत ही इजी है। अब हम जानेंगे पहले, अब हम जान लेते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, सो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, अंटिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब तक हमने जहां पढ़ा है y पर f(x) दिया गया है, वहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो नाउ वी शैल कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अब हम जानेंगे कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर फंक्शन होगा तो उसको कैसे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो जो अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो उसको बोलते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और भी हम अच्छी तरह से जानेंगे। सो सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले हमने किया जाना था, वो किस टाइप का डिफरेंशिएशन था, और हमने जो पढ़ा अभी तक जो पढ़ा है वो था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जानोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस है क्या। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या था? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया था। ठीक है, सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया था। व्हाट इज x? x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y इक्वल टू f ऑफ x दिया गया है। सो यहां पर x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि एक ही आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होगा। पर पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या दिया होगा? सो z इक्वल टू f ऑफ xy आपको इस तरह फॉर्म में दिया गया है। यहां पर क्या है? यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहां पर ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पर z है डिपेंडेंट वेरिएबल। आप x y का कोई भी वैल्यू पुट करके हम z निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्या है? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सो पार्शियल डिफरेंस यहाँ पर दो था, यहाँ कोई पर भी तीन होगा या फिर चार होगा, मोर देन वन होगा। ठीक है, अगर मोर देन वन होगा तो इसको बोल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या फाइंड करते थे? डीवाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स निकालते थे। ठीक है, सो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्टली हम डेरिवेटिव निकालते थे। पर यहां पर क्या होगा? यहां पे अब यहां पे देखो dy / dx मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वेरिएबल है, सो यहां पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिया है। सो यहां पर क्या होगा? z इक्वल f ऑफ xy है, तो कौन से रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे? तो यहां पे दो में ही डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका मतलब यह है कि हम z का डेरिवेटिव निकालेंगे, z का डेरिवेटिव निकालेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x में, फिर क्या करेंगे और z का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y में। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका नोटेशन है कि डेल। ठीक है, इसको हम डेल बोलते हैं, यानी कि डेल z / डेल x, और क्या करेंगे? डेल z / डेल y निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम यहां पे दो पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालते थे, ठीक है, निकालेंगे। ठीक है, सो डेल z / डेल x, डेल z / डेल x क्या है? यहां पे अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसी टाइम क्या करेंगे? जो y है y में होगा, सो जो y है इसको हम कंसीडर करेंगे कि एज ए कांस्टेंट। सो हियर ट्रीट y एज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव लिया है, तो y जो है इसको हम कांस्टेंट की तरह लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रीट x एज कांस्टेंट। ठीक है, सो ट्रीट x एज कांस्टेंट। समझ में आ गया?
सो z इक्वल f(x) आपको दिया गया है, तो पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव del z by del x निकालोगे, ठीक है। अगर del by del z by del x निकालोगे, उसी टाइम जो y है इसको हम ट्रीट करेंगे y एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरह हम बिहेव करेंगे, ठीक है। सो अगर del z by del y निकालोगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे, तो उसी टाइम x को हम मान लेंगे कि ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो कांस्टेंट की कांस्टेंट में जो भी डिफरेंस डेरिवेटिव में जो जो प्रॉपर्टीज होता है उसी प्रॉपर्टीज ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। सो del z by del x में y को हम कांस्टेंट लेते हैं और del z by del y में x को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। सो हम अब क्वेश्चन करेंगे और आपका कांसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, किस तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव में del z by del x निकालेंगे और किस तरह हम del z by del y निकालेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पहले एक बात बता देता हूं कि डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर किस तरह निकालते थे। जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में फर्स्ट ऑर्डर किस तरह निकालते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम निकालते थे, वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसे ही होगा। डेल जेड पर डेल एक्स किया जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। यहां पे देखो, अगर डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते थे तब वाई रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, वाई में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर यहां पे डेल जेड पर डेल वाई निकालोगे, यहां पे देखो एक्स रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, x में कोई भी हम चेंज नहीं करते। सो del z by del y लिमिट del y टेंड्स टू 0 f of x y plus del y माइनस f of x y डिवाइडेड बाय del y, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड del z by del x एंड del z del y फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, z equal to x plus y, ठीक है। सो अब करते हैं इसका, तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड, हम डेल जेड बाय डेल एक्स निकालेंगे एंड डेल जेड बाय डेल वाई निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स y स्क्वायर प्लस 5xy, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है z इज इक्वल टू y स्क्वायर sec x, ठीक है। सो z इक्वल टू y स्क्वायर sec x, ये तीनों क्वेश्चन आपको दिया गया है। वी हैव टू फाइंड del z by del x एंड del z by del x। सो ये तीन क्वेश्चन में हम del z by del x एंड del z by del y हम निकालेंगे। तो किस तरह हम निकालेंगे, किस तरह हम निकालेंगे, ठीक है। सो अब देखो, सो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, z इज इक्वल टू x प्लस y। तो पहले क्या करेंगे, del z by del x निकालेंगे। सो फाइंड del z by del x, सो इसका मतलब क्या है, del z by del x तो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, सो यहां पर अगर del z by del x निकालेंगे तो y को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। सो यहां पर क्या मान लेंगे, ट्रीट y as कांस्टेंट, y फाइंड del z by del x, ट्रीट y as कांस्टेंट, ठीक है। सो del z by del x अब निकालो, del z by del x किया जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं, निकालेंगे। सो x का डेरिवेटिव क्या है, 1, ठीक है, प्लस y क्या है, y के हम y को हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया जाएगा 0, ठीक है। सो यहां पे किया जाएगा 0, समझ में आ गया। सो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। सो del z by del x इक्वल टू 1 प्लस 0 1 आ गया, समझ में आ गया। देन फाइंड del z by del y, अगर del z by del y निकालोगे उसी टाइम हम x को कांस्टेंट मान लेंगे, सो हियर राइट ट्रीट x as constant, ठीक है, यहां पर हम x को constant मान लेंगे।
तो फाइंड डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू एक्स क्या है, एक्स कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव किया जाएगा 0 प्लस y क्या है, सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया जाएगा, y का डेरिवेटिव 1, ठीक है, सो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया, सो दिस इज डेल जेड बाय डेल एक्स 1 एंड दिस इज डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 1 आ गया, समझ में आ गया। इस तरह हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, z इक्वल टू 2x2y प्लस xy स्क्वायर प्लस 5xy, ठीक है, सो z इक्वल टू 2x2y प्लस xy स्क्वायर प्लस 5xy, ये दिया गया है, तो क्या करेंगे, डेल z बाय डेल x निकालेंगे, सो ट्रीट y आज कांस्टेंट, ठीक है, तो डेल z बाय डेल x निकालोगे तो ट्रीट y आज कांस्टेंट, y को हम कांस्टेंट मान लेंगे, तो डेल z बाय डेल x किया जाएगा, सो डेल z बाय डेल x किया जाएगा, 2x स्क्वायर y का डेरिवेटिव है, सो 2y तो कांस्टेंट है, सो 2y को बाहर निकालो, into x square ready क्या है 2x है, ठीक है, so x square ready क्या आएगा 2x आ गया, plus y को हमने constant मान लिया है तो y square constant है, तो इसको इस तरह लिख दो, y square into x square ready क्या है, x square ready क्या है 1 आ जाएगा, then plus 5y तो constant है, so 5y को ऐसे लिख दिया, into x square ready क्या है, x का derivative 1 हो गया, समझ में आ गया, so 2 2 जा 4 xy plus y square plus 5y, so this is del z by del x, समझ में आ गया, now we are going to find del z by del y, ठीक है, so del z by del y then treat x as constant, so partial derivative of z with respect to x of निकालेंगे, so treat x as constant, so del z by del y क्या आ जाएगा, so del z by del y करेंगे यानी कि 2x square constant आ जाएगा, so 2x square से लिख दो, into y का derivative क्या है, y का derivative क्या आ जाएगा 1, ठीक है, plus xy square, x square x तो constant है, तो x को इस तरह लिख दो, ठीक है, plus y square का derivative क्या है 2y form में, ठीक है, n into y to the n minus 1 यानी कि y square का derivative 2y हो गया, ठीक है, प्लस 5xy, 5x square, x तो कांस्टेंट है यानी 5x को कांस्टेंट आ गया, तो 5x into y का डेरिवेटिव किया जाएगा 1, ठीक है, so which equal to 2x square plus 2x into y किया जाएगा 2xy plus 5x हो गया, so this is del z by del y and this is del z by del x and this is del z by del y, बहुत इजी, आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, z इक्वल टू y स्क्वायर sec x, ठीक है, तो z इक्वल टू y स्क्वायर sec x दिया गया है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड del z बाय del x, सो del z बाय del x, तो यहां पर क्या करेंगे, treat y as constant, ठीक है, so then find del z by del x equal to किया जाएगा, y तो constant है, ठीक है, so y square constant आ जाएगा, y square वैसे ही रह गया, तो sec x का derivative क्या है, sec x का derivative क्या है, sec x into tan x, ठीक है, so sec x का derivative किया जाएगा, sec x into tan x, हो गया, simple, ठीक है, so ये क्या आ गया, y square sec x into tan x, हो गया, next find del z by del y, so del z by del y निकालो, तो partial derivative of z with respect to y हम निकालेंगे, so क्या आ जाएगा, treat x as constant, ठीक है, so del z by del y में x को हम constant मान लेंगे, तो del z by del y क्या आ जाएगा, del z by del y क्या जाएगा, यहाँ पे y यानी sec x, x तो constant है यानी sec x constant आ जाएगा, तो sec x को वैसे ही लिख दो, ठीक है, into y square का derivative क्या है, y square का derivative क्या है 2y, तो क्या आ गया 2y sec x,
is del z by del y. ठीक है, समझ में आ गया अभी तक? ठीक है, बहुत ही इजी है पार्शियल डेरिवेटिव। पहले दो जो भी z यहाँ पे क्या है, यहाँ पे z इक्वल f ऑफ x दिया गया है, कहीं पर f ऑफ x t दिया होगा। ठीक है, तो कोई भी विथ रिस्पेक्ट टू अगर x निकालोगे, यहाँ पर t को कांस्टेंट मान लेंगे, अगर t में निकालोगे तो x को कांस्टेंट मान लेंगे, वैसे ही हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो आज हमने क्या किया जा रहा कि व्हाट इज सक्सेसिव डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या है, अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो उस प्रोसेस को हम सक्सेसिव डेरिवेटिव कहते हैं, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो इसको हम dy dx लिखते हैं और f dash x लिखते हैं और dy लिखते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो इसको हम d square y by dx square लिखते हैं और f double dash x लिखते हैं। इस तरह हम nth टाइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज सक्सेसिव डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, यहां पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिया होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, इसको ही बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।